एक बेहद अहम खबर, एक ऐसी करेंसी जिसे ना कोई देख सकता है ना छू सकता है, वो सिर्फ इंटरनेट पर करेंसी खरीदी या फिर बेची जाती रही है। हम बात कर रहे हैं इन दिनों तेजी से बढ़ती डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे इस करेंसी के नाम पर मुंबई में एटीसी कॉइन नाम की एक कंपनी लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रही है। इस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, फिर भी यह कंपनी फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रही है और झूठे वीडियो के जरिए अपने निवेशकों को यह भरोसा, ये विश्वास जताने की कोशिश कर रही है कि कंपनी में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने दिल्ली ऑफिस का वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि दिल्ली ऑफिस में प्रॉपर वर्किंग हो रही है, सभी लोग प्रॉपर ऑफिस मेंटेन है। बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, दिल्ली ऑफिस में बैठे हुए हैं, दिल्ली ऑफिस अच्छे से खुला हुआ है, लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ये है एटीसी कॉइन कंपनी के दिल्ली दफ्तर का वो वीडियो जिसे दिखाकर ये कंपनी अब भी लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। फेसबुक और यूट्यूब के जरिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि कंपनी में निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, बल्कि उन्हें डराया भी जा रहा है कि कंपनी डूबी तो उनका पैसा भी डूबेगा। मनोज कुमार कौशिक, दिल्ली ऑफिस से आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एटीसी कॉइन जिंदगी है और आप लोगों की जिंदगी है। इस कॉइन में जिन लोगों ने कभी पैसा जीवन में कमाया ही नहीं, उन लोगों को करोड़पति बनाया है, किसी को लखपति भी बनाया है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए है, ये भूल जाएं, ये एटीसी कॉइन है या फलाना कॉइन है। अगर एटीसी कॉइन नहीं बचा तो आप लोग भी नहीं बचोगे, आपका, आपके सगे संबंधियों, फ्रेंडों का, नियर डियर भाई का, सबका पैसा डूबेगा। भारत की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी होने का दावा करने वाली एटीसी को इस तरह के वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एबीपी न्यूज ने इस कंपनी के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मुंबई में जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में एजेंट बिटकॉइन कंपनी के नाम पर लोगों को फंसा रही हैं। 13वें लेवल पे 2% कमीशन, 14वें पे 1%, 15वें पे 1%, 11वें पे 5% रॉयल्टी। अब यहाँ तक पहुँच गए आप तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अब 13वें लेवल पे फॉर्चुनर है, टोयोटा फॉर्चुनर, 14वें लेवल इसके साथ मर्सिडीज है और इसके साथ में जैक्वार है। तो ये जैक्वार और ये सब लेने वाले सिर्फ 4 लोगों कंपनी में, आज तक कंपनी में अभी तक 15 लाख लोग से ज्यादा जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज को ऐसे निवेशक भी मिले जो इन झूठे सपनों के जाल में फंस चुके हैं। एबीपी न्यूज की खबर के बाद जब ऐसे निवेशकों ने सवाल जवाब शुरू किए तो कंपनी ने अपने मेंबर्स को ये ऑडियो क्लिप भेजी। फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज मिली है अंदर एटीसी के ऑफिस से और एबीपी के ऑफिस से कि एबीपी ने अपोलॉजी भेजी है एटीसी को और उन्होंने बोला है कि हमने बिटकॉइन के बारे में जो डिटेल निकालने के चक्कर में ये एटीसी को दिखाया था, अदरवाइज उनकी कोई इंटेंशन नहीं है। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने कंपनी से किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है और हम अपनी खबर पर पूरी तरह कायम हैं कि इस कंपनी में डिजिटल करेंसी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी चैनल ने यह विषय को जनता के सामने ले जाने में मदद की। आभास ने यह घोटाला है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया खुद करीब साल भर से इस तरह की डिजिटल करेंसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कम से कम रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान में बिटकॉइन या और क्रिप्टो करेंसी को कोई मान्यता नहीं है, वो इल्लीगल है। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने भी सदन में हमारे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि इट इज इल्लीगल। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस कंपनी के खिलाफ अपनी जांच और तेज कर दी है। कंपनी के मालिक सुभाष जेवरिया की तलाश शुरू हो गई है।
अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें जो कंपनी के जो दो डायरेक्टर्स हैं सुभाष जेवरिया और चिराग जेवरिया, इनको पुलिस ने नोटिस निकाला है और इनको हम बुला के उनके स्टेटमेंट्स दर्ज कराएंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है ये निश्चित होगी। पुलिस एटीसी कंपनी के 28 बैंक खातों में जमा 64 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है। एटीसी के खिलाफ आरबीआई को भी शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस बहुत जल्द कंपनी के दफ्तर और दूसरी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है। प्राइवेट फेसी तो ये दिख रहा है कि ये पोंजी स्कीम है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की दिखा के लोगों से पैसा ऐंठने की ये जो है एक स्कैम जो है ये कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 5 अक्टूबर को एफआईआर रजिस्टर होने के 2 दिन पहले ही सुभाष चंद्र जेवरिया मलेशिया चले गए थे और तब से अब तक वो भारत नहीं लौटे हैं। एटीसी कॉइन पर मामला दर्ज किया गया, उनके अकाउंट सीज किए गए, सर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद खुद को एक सही कंपनी बताने वाली एटीसी कॉइन लिमिटेड के जनक सुभाष चंद्र जेवरिया अब तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं। बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। वेबसाइट के जरिए ही बिटकॉइन कंट्रोल की जाती है। बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन स्वतंत्र मुद्रा है जिस पर किसी संस्था या देश का अधिकार नहीं है। भारत में रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बिटकॉइन मान्य नहीं है, फिर भी इसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और जानकारी न होने के कारण लोग ऐसी कंपनियों के जाल में फंस रहे हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। तो ऐसे लोगों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।